दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल के आर एग्जाम में। दोस्तों ये मैथ का दूसरा वीडियो होने वाला है। हम लोगों ने एवरेज से शुरुआत की है। एवरेज का पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ये एवरेज का हम लोग दूसरा वीडियो बना रहे हैं। पहले वीडियो में एवरेज का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, आप लोगों को याद होगा। एवरेज बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, यानी जितने संख्याओं का हमें एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, सभी को जोड़ना है, सभी का योग होता है। और बट्टे में जितनी संख्याएं हैं उसको हम लोग नीचे में लिखते हैं और इसको अगर हल करते हैं तो हमारा औसत आ जाता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, 10 और 20 दो संख्याएँ हैं, इसका अगर औसत निकालना हो तो दोनों को जोड़ देंगे, योग लिखा है, 10 और 20 30 हो गया। और बट्टे में कितनी संख्या है तो दो संख्याएं, एक संख्या दो संख्या, दो से भाग दे देंगे, आ गया हमारा 15। ये चीज़ मैंने आपको समझाया था। एक और एग्जांपल से समझ लीजिए, 10, 20 और 30 ये तीन जो है संख्याएं हैं, इसका अगर औसत निकालना हो तो तीनों को जोड़ना है, 30, 20, 50 और 10 60 हो गया। और बट्टे में कितनी संख्या है, 1, 2, 3 संख्या है, तो 3 से भाग देंगे, हमारा आ गया 20। इसी को औसत कहते हैं। तो औसत का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये मैंने आपको बता दिया था, एक दो क्वेश्चन भी करवाए थे बेसिक क्वेश्चंस। अब हम लोग जो है एवरेज में आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानेंगे, एपी से जो क्वेश्चंस आते हैं एवरेज में उसको जानेंगे। आपने जो है 10th क्लास में पढ़ा होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, जैसे लगातार संख्याएँ जो होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 या फिर 2, 4, 6, 8, 10, 12 जिसका सार्वंतर समान हो। जैसे इन दोनों के बीच का अंतर देखिए +1 है, इन दोनों के बीच का अंतर +1, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1, इसी तरह यहाँ देखिएगा तो +2, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2। तो इसी तरह जो है जब सार्वंतर समान हो, सार्वंतर किसको कहते हैं, दो संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है उसको हम लोग सार्वंतर कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनके बीच का जो अंतर है मतलब समान हो उसको हम लोग सार्वंतर कहेंगे। और ये कौन से फॉर्म में है, तो एपी फॉर्म में है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में है। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर हमें बनाना हो तो कैसे बनाएंगे इसको हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे संख्याएं हैं, अगर इसका औसत निकालना हो, आप लोगों ने मैंने आपको बताया कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी लगातार एपी के फॉर्म में है क्योंकि इसका सार्वंतर जो है समान है। तो इसमें हमें सबको नहीं जोड़ना है, इसमें सिर्फ अंतिम पद को जोड़ना है और पहले पद को जोड़ना है और दो से भाग दे देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 7 और 1 8 बटे की दो से भाग दे देना है तो दो से काट देंगे तो 4, ये हो गया हमारा एवरेज। तो इसके लिए हमें सब जोड़कर जितनी संख्या उससे भाग नहीं देना है। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रहे यानी एपी के फॉर्म में रहे तो हमें कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ जो है हम अगर पहले टर्म और अंतिम टर्म को जोड़ के दो से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल है 15, 30, 45 ये तीन संख्या है। तो देखिएगा ये एपी के फॉर्म में है क्योंकि यहाँ इसके बीच का अंतर कितना है 15 और इसके बीच का अंतर कितना है 15। तो इसमें हमें तीनों संख्या को जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको और इसको जोड़ देंगे तो हमारा हो गया 60 और दो से भाग दे देंगे तो आ जाएगा औसत 30। और दोस्तों और एक चीज़, अगर एपी के फॉर्म में रहे तो हम लोग का जो मिडिल टर्म होता है वही औसत होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। जैसे 10, 20, 30, 40, 50 ये देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी के फॉर्म में है, लगातार है, इसमें भी अंतर 10 का, इसमें भी 10 का, इसमें भी 10 का, इसमें भी 10 का। अगर इसका औसत निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, या तो हम लोग कर सकते हैं पहले टर्म और अंतिम टर्म को जोड़कर दो से भाग दे देंगे, 50 और 10 60 बट्टे 2 काट देंगे तो हमारा 30 आ जाएगा। या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, अगर एपी में है तो मिडिल वाला जो टर्म है, देखिए इधर भी दो संख्या है, इधर भी दो संख्या है, ये मिडिल टर्म है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं कि जो जो एपी के फॉर्म में रहे
उसमें हमारा जो मिडिल टर्म होता है ना, वही होता है औसत, वही होता है एवरेज, या फिर पहले पद और अंतिम पद को जोड़ के दो से भाग दे देंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको कुछ फॉर्मूला लिखा रहा हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से लिखिए और याद कर लीजिएगा। पहला फॉर्मूला जो है, अगर प्राकृतिक संख्या रहे, प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? आपको पता होगा गिनती में आने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है, यानी एक से लेके अनंत तक जितनी भी संख्या आप गिन सकते हैं वो सब क्या है? प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या में, एक बार दोबारा से समझा दे रहा हूँ, गिनती में आने वाली यानी एक से लेके जितना दूर तक आप गिन सकते हैं सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है। अगर उसका हमें औसत निकालना हो, प्राकृतिक संख्याओं का, औसत निकालना हो, तो मैंने आपको अभी बताया क्या करना है कि सबसे पहले देखिए, जैसे प्राकृतिक संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे करते करते n तक है, मतलब बहुत दूर तक है। n का मतलब कुछ भी हो सकता है, 50, 100, 1000, 2000, 5000, कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक अगर रहे तो, अगर इसका हमें औसत निकालना हो तो मैंने क्या बताया था कि अंतिम पद और पहला पद दोनों को जोड़कर दो से भाग दे देना है, यानी n प्लस 1/2, ये हो जाएगा हमारा औसत का फॉर्मूला। ये चीज़ मैंने आपको अभी बताया। और एक चीज़ आपको याद रखना है, औसत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n प्लस 1/2। और ये n क्या है? ये n जो है वो अंतिम पद है। समझ में आया आपको? दोबारा समझा रहा हूँ, जैसे 1, 2, 3, 4... n तक है, n का मतलब 50, 100 कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए मैंने यहाँ 50 लिख दिया, अगर इसका औसत निकालना हो, 1 जोड़ 2 जोड़, मतलब ऐसा संख्या रहे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे करते करते 50 तक रहे और सभी का औसत निकालना हो, तो अगर सबको जोड़ के फिर आप 50 से भाग देने जाइएगा तो बहुत लंबा बनेगा। इसको शॉर्ट में कैसे बनाना है? तो पहला पद प्लस अंतिम पद यानी 50 और 1, 51/2 काटेंगे तो 25.5, यह आ गया हमारा आंसर। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना हो तो अंतिम पद, यानी अंतिम पद को हमने n माना है, n प्लस 1 यानी जितनी भी संख्या रहे अंतिम पद को लेना है और पहले पद को लेना है और दो से भाग देना है, यह हमारा आ जाएगा एवरेज। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर प्राकृतिक संख्याओं का हमें योग निकालना हो, योग समझिए, योग एग्जाम में बहुत बार आपका आ जाता है कि जैसे 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 ऐसे .. करके 50 तक अगर हमें जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे? अगर एक एक करके जोड़ने जाइएगा तो बहुत लंबा बनेगा, 50 फिर 49 फिर 48, इन सभी संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा, इतना हमारे पास टाइम नहीं होता एग्जाम में। तो इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला होता है n(n+1/2), ठीक है? इस फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ n क्या है? अंतिम पद है, तो 50 अंतिम पद है और उसके बाद फिर से n लेना है, यानी 50 प्लस 1/2। समझिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, योग का फॉर्मूला, यानी लगातार यदि प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ दे तो फॉर्मूला होता है n(n+1/2), यानी n का वैल्यू है अंतिम पद, तो 50 × 50+1 यानी n+1 की जगह 50+1 और 2/2, तो कितना हो जाएगा? यहाँ हमारा हो जाएगा 50 × 51 / 2, दो से काटेंगे तो 25। अब इसको गुणा कर दीजिए, 25 × 25 = 5, हाथ में 2, 25 × 25 = 125 और 2 = 127, 1275, यह आ गया हमारा आंसर। तो ये चीज़ समझे होंगे आप कि लगातार संख्याएं अगर रहे उसका औसत पूछे तो अंतिम पद और पहला पद जोड़ के दो से भाग दे देना है, और अगर उसका योग पूछे तो n(n+1/2), ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, ठीक है? अब दोस्तों हम लोग लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग और उनका औसत जानेंगे। जैसे समझिए,
एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर, फिर तीन का स्क्वायर, फिर चार का स्क्वायर, डॉट 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 डॉट, अगर दस का स्क्वायर रहे या फिर कितनों का भी स्क्वायर रहे, अगर इसका हमें औसत निकालना हो या फिर इनका योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आइए हम लोग समझते हैं। अगर दोस्तों योग निकालना हो, योग निकालना हो तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन और फिर 2n प्लस वन बाई सिक्स, ये आप याद कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला आपको बहुत काम में आएगा। जैसे एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर डॉट 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 n का स्क्वायर है, यानी कुछ भी हो सकता है, तो उसमें क्या होगा n यानी अंतिम संख्या, n n का मतलब है अंतिम संख्या, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। योग क्या हो जाएगा, अगर लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन फिर 2n प्लस वन बाई सिक्स। इसको अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में, देखिए एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर चार का स्क्वायर डॉट 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 दस का स्क्वायर है, तो हम लोग n का मतलब होता है अंतिम पद, तो 10 का 10 लिखेंगे n के जगह, फिर 10 और एक n प्लस वन यानी 10 प्लस एक, और फिर 2n प्लस वन यानी 10 गुना दो यानी 20 प्लस एक बट्टे कितना है 6। अब इसको सॉल्व करते हैं, 10 इंटू 10 और एक 11 गुना 20 और एक 21 बटे 6। अब इसको काटिए 3 से, 3 दूनी 6 3 सत्ते 21, 2 से काटेंगे तो 5 बार में 11 पचे 55 इंटू 7, अब हो गया 7 पच 35 3 38 385। ये चीज़ समझ में आया होगा आपको, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा कि अगर लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन फिर 2n प्लस वन बाई सिक्स, और अगर इसी का हमें औसत पूछ दे, एवरेज पूछ दे तो कैसे निकालेंगे। देखिए एवरेज निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि सभी संख्याओं को जोड़ना होता है और जितनी भी संख्या है उससे भाग दे देना है तो हमारा औसत आ जाता है, तो इसमें इन सभी को जोड़ना है, इन सभी को जोड़ना है और कितने संख्या है, 10 संख्या है तो 10 से भाग दे देंगे हमारा आंसर आ जाएगा, तो हमने इन सभी को जोड़ा तो कितना आया, इतना 385, यानी ये योग है कि नहीं, ये योग का फॉर्मूला है, यानी इसके बट्टे में अगर हम लोग n बिठा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी इनटू अगर n कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ से n अगर कट जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, n प्लस वन और फिर 2n प्लस वन बाई सिक्स, ये आ गया हमारा एवरेज का फॉर्मूला। आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे, मैं एक बार दोबारा कोशिश करता हूँ ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। देखिए अगर लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का स्क्वायर का योग हमें पूछे, योग जैसे एक का स्क्वायर है, दो का स्क्वायर है, तीन का स्क्वायर है, चार का स्क्वायर है और पांच का स्क्वायर है, ऐसे योग पूछे तो क्या करेंगे, फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन फिर 2n प्लस वन बाई सिक्स, इसको अप्लाई करेंगे, इसको बिठाएंगे तो कैसे बिठेगा, n का मतलब होता है अंतिम संख्या, अंतिम संख्या कितना है 5, तो n के जगह हम लोग लिखेंगे 5 इंटू 5 और एक 6 और इंटू 5 दूनी 10 और एक 11 बट्टे हो जाएगा 6, 6 से 6 कटम 11 पचे 55, यानी एक से लेके यदि 5 तक स्क्वायर करे सभी संख्याओं को और जोड़ दे तो 55 आंसर आएगा। ये मैंने बताया था लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अगर योग निकालना हो तो ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर इसका औसत निकालना हो, एवरेज निकालना हो कि इन सभी संख्याओं का औसत निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो औसत निकालने के लिए मैंने बताया था आपको कि सभी संख्याओं को जोड़ना है और जितनी भी संख्या है उससे भाग दे देंगे तो हमारा औसत आ जाएगा, यानी सभी संख्याओं को जोड़कर हमारा कितना आया है 55 आया है, और इसको किससे भाग दे देंगे,
दस पांच संख्या है तो पांच से भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 11, ये औसत आ गया। आप लोग ऐसे बना सकते हैं, या फिर औसत का एक अलग फॉर्मूला भी आप लोग अपने से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं औसत का, यानी अगर लगातार लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, चूंकि हम लोग बट्टे में क्या करेंगे, सभी का योग, योग का फॉर्मूला ये है, तो योग बट्टे जितनी संख्या है उससे भाग देते हैं, यानी n से अगर इसको भाग देंगे तो n से n कट जाएगा, यानी हमारा फॉर्मूला बच जाएगा n प्लस वन और फिर 2n प्लस वन बाई सिक्स। यानी डायरेक्ट अगर औसत निकालना हो, यानी इस योग को अगर नहीं निकालना हो, आप चाहते हैं डायरेक्ट मेरा औसत 11 आ जाए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं, एन का वैल्यू हम लोग 5 फुट करेंगे, 5 और 1 6 गुना 2 5 10 और 1 11 बटे 6, तो 6 6 खत्म, बच गया 11। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अगर औसत निकालना हो तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, योग निकालना हो तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। अगर आप लोग सिर्फ योग निकाल के और जितनी संख्या है उससे भाग दे देंगे तब भी आपका औसत आ जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे। अब दोस्तों हम लोग लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग और उनका औसत निकालना सीखेंगे। जैसे अगर 1 का क्यूब है प्लस 2 का क्यूब है प्लस 3 का क्यूब है फिर प्लस 4 का क्यूब है, ऐसे करते करते 10 तक का क्यूब अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आइए हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, इसको आप लिख लीजिएगा। घन का अगर निकालना हो, घनों का योग, यहाँ मैंने सिर्फ घनों का योग लिखा है, आप लोग समझ लीजिएगा कि लगातार की बात हो रही है। लगातार प्राकृतिक संख्या जो रहेंगी, यानी जो संख्या शुरू से एक से स्टार्ट होके और अंत तक जाएंगी, उसका अगर घन निकालना हो और क्यूब में, तो आइए हम लोग समझते हैं। जैसे 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है प्लस 3 का क्यूब है, ऐसे डॉट 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 n का क्यूब रहे, n का मतलब कुछ भी हो सकता है, 10 20 50 कुछ भी हो सकता है। अगर इसका निकालना हो योग, योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। मैंने आपको क्या बताया कि अगर घन का क्यूब निकाल, घन का घन निकालना हो, लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना हो तो हम लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग बना के देख लेते हैं, उसमें आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, अगर इसका हमें आंसर निकालना हो तो हम लोग इसी फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। n का मतलब मैंने आपको बताया अंतिम पद होता है, तो 5 है अंतिम पद, तो n की जगह हम लोग लिखेंगे 5, 5 प्लस 1 यानी 6 हो जाएगा इंटू 6 और बट्टे 2 का होल स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है। 2 से काटेंगे 3 बार में, 5 दिया 15, 15 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं कितना होता है, 225, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आशा करता हूँ आप लोग समझ में आया होगा आप लोगों को कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं के अगर घन का योग निकालना हो तो हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। अच्छा, योग तो निकल गया, आप यहाँ से औसत भी निकाल सकते हैं। औसत कैसे निकालना है, तो हम जानते हैं कि 5 संख्याएँ हैं, तो हम मैंने आपको बताया था जितनी संख्याएं हैं उससे भाग दे देंगे तो औसत आ जाएगा, यानी 5 से भाग दे देंगे तो हमारा औसत आ जाएगा। 5 चरे 20, 2 5 5 25, 45 आ गया औसत। समझ में आया आपको, अगर औसत निकालना हो तो जितनी संख्या है उससे सिर्फ भाग दे देंगे। अगर आपको औसत का अलग फॉर्मूला चाहिए, अगर आपको डायरेक्ट औसत निकालना हो, यानी योग अगर आप ना निकालें, ऐसे क्वेश्चन ये रहे कि 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब 5 का क्यूब है क्वेश्चन, इसका डायरेक्ट आप औसत निकालो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आइए समझते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी n बाहर में होगा, इसको याद कर लीजिएगा आप, ये औसत का फॉर्मूला है। एवरेज अगर निकालना हो आपको तो ये फॉर्मूला आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग क्यूब को समझ गए होंगे, यानी घन को समझ गए होंगे कि लगातार संख्याओं का अगर घन का योग निकालना हो तो हम लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे।
और औसत निकालना हो तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये क्लास आपको बढ़िया लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जितने भी वीडियोस अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।